तो दोस्तों अब देखते हैं बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। पहला मॉडल है ये, इसका लाइफ साइकिल का, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के बारे में देखते हैं। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड अप्रोच। क्या होता है बिल्ड एंड फिक्स में? इट इज़ अ टू फेज मॉडल। ये एक दो फेज का मॉडल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, राइट अ कोड और फिक्स। ये हमारा पहला फेज होगा, फर्स्ट फेज, और ये होगा सेकेंड फेज। मतलब क्या कहने का, मैंने कोड लिखा और फिर उसका उसको फिक्स करा। अगर कुछ एरर आता है मैं फिर से लिखूँगा, फिर फिक्स करूँगा, फिर से अगर कोई एरर आता है फिर से बिल्ड करूँगा, फिर से लिखूँगा, ठीक है। तो इट इज़ अ टू फेज मॉडल। दो फेज मेंटेन होते हैं। एक होता है हमारा फिक्स फेज। फिक्स फेज में क्या होता है, हमारी चीज़ें फिक्स करी जाती हैं। जैसे हम टेस्टिंग में करते हैं ना, अगर कोई एरर आता है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो फिक्स फेज इज दिस एंड राइट अ कोड इज दिस। तो ये दो टू स्टेट। इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्यों इसको बोला है वेल डिफाइंड? क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिकेशन दी नहीं, हमने सीधा कोड लिख दिया, ठीक है। हमने सीधा कोड लिख दिया और बस उसको क्या किया, उसके अंदर सम कोड, मतलब कुछ एक लैंग्वेज में लिख दिया कोड और प्लस उसकी टेस्टिंग करी, ठीक है। उसकी टेस्टिंग करी, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, हमने वो कर दिया। सो क्या होता है इसमें, क्लाइंट का जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि हर एक दिन बाद वो ये बोलेगा कि जो मैंने आपको, हर एक दिन बाद नहीं, हर एक घंटे बाद मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसने वो बग फिक्स किया, फिर से उसको कॉल किया, फिर बग फिक्स किया, फिर से उसको कॉल किया, एनी स्पेसिफिकेशन। तो ये अच्छा मॉडल नहीं है। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं इसके। एडवांटेजेस देखते हैं। वर्क वेल विथ स्मॉल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। अगर हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, जो कि एग्जाम्पल 100 या 200 लाइन्स के होते हैं, 100 और 200 लाइन्स के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनके लिए अच्छा है ये। वर्क वेल विद स्मॉल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस। ऑलराइट। हमें जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने होते हैं टेस्टिंग के लिए ना, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स, तो ये बिल्ड एंड फिक्स मॉडल उसके लिए सही है, बढ़िया है। बट फॉर डेवलपमेंट परस्पेक्टिव इट इज़ नॉट, क्योंकि इसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा लगती है। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसमें लगती है, क्योंकि आप हर बार फ़ोन कर करके उसको हर एक स्पेसिफिकेशन बताया बताया जाएगा उसको, ठीक है, हर एक चीज़ उसको बताई जाएगी और उसको फिर फिक्स करा जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इसमें, ठीक है। नो स्पेसिफिकेशन और अटेम्प्ट टू डिज़ाइन, ठीक है। नो स्पेसिफिकेशन, हमने कोई स्पेसिफिकेशन दी नहीं कस्टमर के साथ बैठ के। जो हम स्पेसिफिकेशन देते हैं उसमें हमने किया ही नहीं, हमने बस उससे प्रोजेक्ट का टाइटल लिया। बस हमने बस प्रोजेक्ट का टाइटल लिया कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, और हम बनाना शुरू कर देते हैं और उसको फिर क्लाइंट के साथ बिल्ड एंड फिक्स मॉडल कैरी ऑन करते हैं। इसका मतलब ये है, देयर इज़ नो स्पेसिफिकेशन। हमने बस प्रोजेक्ट का टाइटल दे दिया कि भाई हम, मुझे ना यूनिवर्सिटी का ना मॉडल बना दो, ठीक है। सपोज़ कि मैं यूनिवर्सिटी का लेता हूँ, यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर सिस्टम लेता हूँ। मैंने बाकी सबको बोल दिया कि ना आप एक काम करो, यूनिवर्सिटी का वो बना दो, विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन कि कैसे हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। सारी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो हमने दी नहीं। तो इस मॉडल में ना वो कमी है। तो नो स्पेसिफिकेशन और अटेम्प्ट टू डिज़ाइन, कैसा हमें डिज़ाइन, यूआई जैसे हमें, यूज़र इंटरफेस जैसे हमें चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए स्क्रीन, वो सब चीज़ें इसमें स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। कोड सून बिकम अनफिक्सेबल एंड अनएनहेंसेबल। अनफिक्सेबल और अनएनहेंसेबल का मतलब क्या है, जो हमारा कोड है ना वो जल्दी से ना अनफिक्सेबल हो जाएगा। मतलब तभी तो हम फिक्स करते हैं उसको, तभी तो हम फिक्स करते हैं। ज़रा सी कोई गलती आई, फिक्स करने लग जाओ, फिर उसको बिल्ड करो, फिर से फिक्स करो, फिर से बिल्ड करो। तो एक साइकिल दो फेज़ में ये चलता रहता है। अगर हम पहले से ही स्पेसिफाई कर दें जो हमें चाहिए, हमें उसको री इंश्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट्स अ वेरी यू नो वर्स्ट मॉडल बाय द वे, क्योंकि ये ना तो इसने स्पेसिफिकेशन दी ना कुछ दी। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल के बारे में अभी इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं वाटरफॉल मॉडल।